को केंद्र बनाकर भारतीय साहित्य एवं संस्कृति की गतिशीलता को ध्यान में रखकर भारतीय साहित्य प्रतिष्ठान लगातार सक्रिय रहा है। 26 जनवरी सन 1998 में भारतीय साहित्य प्रतिष्ठान का गठन हुआ। हर साल 26 जनवरी को वार्षिक सम्मेलन चलाते आ रहे हैं। आज भारतीय साहित्य प्रतिष्ठान के तत्वावधान में भाषण श्रृंखला का उद्घाटन संपन्न होने वाला है। ईश्वर का स्मरण करते हुए कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं। स्वागत भाषण के लिए भारतीय साहित्य प्रतिष्ठान के सचिव परम आदरणीय डॉक्टर के वनजा जी को सहर्ष सादर आमंत्रित करती हूं। वनजा जी संपन्न होने वाला आदरणीय अध्यक्ष महोदय मोहन जी, आज के विशिष्ट अतिथि सुदानंद शाही जी, जलील सर, मेरे प्रिय मित्रों, सबको मेरा प्रणाम। आज भारतीय साहित्य प्रतिष्ठान का जन्म दिवस है और ये जन्म दिवस 23वां जन्म दिवस है। ये हम अत्यंत गर्व एवं प्रसन्नता के साथ मना रहे हैं। भारतीय साहित्य प्रतिष्ठान 23 सालों से कोच्चि को केंद्र बनाकर अपनी सांस्कृतिक एवं साहित्यिक साधना करता आ रहा है। साहित्यिक प्रतिष्ठान की ओर से कई साहित्यिक चर्चाएं, भाषण परंपराएं चलाते आ रहे हैं हम लोग। कई पुस्तकों का प्रकाशन भी इसके जरिए तो हुआ था, लेकिन इसका मुख्य लक्ष्य साहित्यिक विद्यार्थियों को आत्मविश्वास के साथ अपने विचारों को प्रस्तुत करने का एक मंच तैयार करना है। अब साहित्य प्रतिष्ठान की सेवा की सीमा को विस्तृत करने की कोशिश में है हम लोग। इस बार हिंदी, अंग्रेजी एवं मलयालम के विद्वानों की भाषण श्रृंखला चलाने का निश्चय किया गया, वो भी भारतीय साहित्य एवं विश्व साहित्य की गतिविधियों पर केंद्रित होगा। असल में भारतीय साहित्य की दृष्टि वैश्विक है। उस वैश्विक दृष्टि के धनी कवि हैं सचमुच कबीरदास। उस कबीरदास से ही इस श्रृंखला की शुरुआत करना हमारे संबंध में तो सौभाग्य की बात है। उद्घाटन भाषण दे रहे हैं हिंदी के सुपरिचित कवि आलोक, हमारे परम मित्र सदानंद शाही जी। वे हमारे हमेशा हितैषी ही रहे हैं। वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एवं मध्यकालीन साहित्य विद है। ये भी नहीं, साखी नामक एक वैचारिक पत्रिका के संपादक हैं कई सालों से। आप सबको मालूम है उसके संस्थापक या उसके आरंभिक संपादक केदारनाथ सिंह रहे थे। साखी सुनते ही हमारे मन में तो कबीरदास का स्मरण आ जाता है। तब ये स्तरीय वैचारिक पत्रिका के माध्यम से सचमुच चाहिए हम सबको विश्व साहित्य की प्रवृत्तियों का
ये साक्षी बना रहे हैं। मुझे भी इसमें तो लिखने का मौका एक बार तो मिला था, विशेषकर कई विशेषांक वे तो निकालते हैं, सही है विशेषांक वे हैं साक्षी की सबसे बड़ी विशेषता। इस बार तो गोरखनाथ पर केंद्रित एक विशेषांक है साक्षी का। इस अवसर पर मित्र शाही जी आपका स्वागत। हम केरल के हिंदी प्रेमी स्नेह सादर करते हैं। हमारे अध्यक्ष प्रोफेसर मोहन जी, उनका स्वागत इसलिए अवश्य करना चाहिए कि भारतीय साहित्य प्रतिष्ठान के आरंभ से लेकर उसका मेरुदंड बनकर वे तो काम करते आ रहे हैं। बीच बीच में उनके मित्र सब तो किसी ना किसी कारण कहकर भारतीय साहित्य प्रतिष्ठान को छोड़ते वक्त भी उसे डगमगाए बिना आज खड़ा करने में, अभी तक इस यदि से आगे की ओर ले जाने में उनका योगदान सदा स्मरणीय है। इसलिए मोहन जी आपका भी स्वागत मैं इस अवसर पर कर रही हूँ। और संगठन के वाइस प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर वीके अब्दुल जलील साहब, उनके हमारे प्रतिष्ठान के सहयोगी कार्यकारी सदस्य हैं। और यहाँ एकत्र हर प्रतिष्ठान के सदस्य के साथ अन्य सदस्यों का सस्नेह में तो स्वागत करती हूँ इस अवसर पर। सबको मेरा प्यार भरा नमन और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद वर्जा जी। आगे अध्यक्षीय भाषण के लिए भारतीय साहित्य प्रतिष्ठान के अध्यक्ष परम आदरणीय डॉक्टर एन मोहनन जी को सहर्ष सादर आमंत्रित करते हैं। सर धन्यवाद। एक अध्यक्षीय भाषण का समय नहीं है, वास्तव में यह भारतीय साहित्य प्रतिष्ठान के 23वां वर्षगांठ या जन्मदिन के अवसर पर एक नई शुरुआत है, एक नया कदम है भाषण श्रृंखला। उस भाषण श्रृंखला का उद्घाटन करने वाला हमारे परम मित्र भारतीय साहित्य प्रतिष्ठान के हितैष बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, अभी इनका परिचय वर्जा जी ने दिया है, दुर्भी भारत के स्तरीय पत्रिका, वो भी स्तरीय पत्रिका है वास्तव में साक्षी, उस साक्षी पत्रिका के संपादक, उनको हमें मिला है इस भाषण श्रृंखला की का उद्घाटन करने के लिए और उसमें पहला भाषण देने के लिए। साहि जी जैसे प्रतिभाधनी अध्यापक, आलोचक, कवि बंधु को हमें मिला है, इसलिए भारतीय प्रतिष्ठान, भारतीय साहित्य प्रतिष्ठान गर्व का अनुभव कर रहा है। साहि जी आपको भारतीय साहित्य प्रतिष्ठान के अध्यक्ष के रूप में आपका मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं। और हमें खुशी की बात यह है आज से हम शुरू करते हैं, आगे का भविष्य उज्जवल बन जाएगा, इसमें हमें कोई संदेह नहीं। इसके साथ मैं समाप्त करता हूं। यहां उपस्थित सभी लोगों का मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। रिपब्लिक डे की गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आगे उद्घाटन भाषण के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एवं प्रमुख लेखक आदरणीय डॉक्टर सदानंद शाही जी को सहर्ष सादर सप्रे आमंत्रित करती हूं। कबीर पर वे बोलेंगे।
धन्यवाद डॉक्टर बिंदु। मैं भारतीय साहित्य प्रतिष्ठान कोचीन के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। भारतीय साहित्य को केंद्र में रख करके काम करने वाली कोई संस्था और भारतीय साहित्य को ध्यान में रखकर आयोजित व्याख्यान श्रृंखला का उद्घाटन भाषण देने के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया है। यह आमंत्रण मेरे लिए खुशी का विषय भी है और संकोच का विषय भी है। खुशी इस बात की कि आप सबसे भेंट हो रही है आभासी माध्यम से ही सही, संकोच इस बात को लेकर है जिस दिन से ये आमंत्रण मुझे मिला, आदरणीय वनजा जी ने जब सूचित किया मुझे, उसी दिन से मैं इस विचार में डूबा हूँ कि इस व्याख्यान के लिए मेरी पात्रता कितनी है या नहीं। सिवाय इसके कि इस श्रृंखला के जो आयोजक गण हैं प्रोफेसर मोहनन और प्रोफेसर वनजा और डॉक्टर बिंदु और भी सहयोगी गण, इन लोगों का मेरे लिए एक अपार स्नेह है। इस स्नेह के अलावा भी मेरी कोई पात्रता है क्या, इसको लेकर मेरे मन में संकोच है। कि मेरे जैसे भारतीय साहित्य के अदने पाठक को यह सम्मान आप दे रहे हैं, यह मेरे लिए संकोच का विषय है। लेकिन एक बात और मुझे समझ में आई, जैसा कि आदरणीय वनजा जी ने अपने वक्तव्य में कहा भी, कि जरूर इस आमंत्रण के पीछे कबीर की महिमा है, कबीर के साखी की महिमा है जिससे मेरा एक अस्थाई वास्ता है। अस्थाई वास्ता जब मैं कहता हूं तो यह कि कबीर काशी में हुए थे और काशी से उन्हें आधा जीवन काशी में बिताने के बाद शेष जीवन बिताने के लिए मगहर जाना पड़ा था। मैं मगहर से काशी आया हूं। मैंने अपने जीवन का पूर्वार्ध मगहर यानी गोरखपुर और कुशीनगर में बिताया और उत्तरार्ध मेरे जीवन का काशी में है। तो कबीर के साथ मेरा जो ये अस्थाई रिश्ता है, इसकी वजह से आपने ये सम्मान मुझे दिया और मैं कबीर की महिमा को ही ध्यान में रखकर मैंने इस निमंत्रण को स्वीकार किया है। मैं डॉक्टर के बनजा, डॉक्टर मोहनन, प्रोफेसर मोहनन और डॉक्टर बिंदु के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आभार मैं इसलिए भी प्रकट करता हूँ और ये जानकर मुझे अच्छा लगा, खुशी हुई कि जिस संस्था के बैनर तले आज की बातचीत हम कर रहे हैं, वह संस्था 26 जनवरी को, आज से 23 वर्ष पहले 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन वो संस्था स्थापित हुई और एक तरह से हमारे गणतंत्र को, हमारे गणतंत्र की मकबूलियत के लिए उसे सुचारू रूप से बरकरार रखने के लिए, चलाने के लिए साहित्य की क्या जिम्मेदारी हो सकती है, भारतीय साहित्य की क्या भूमिका हो सकती है। संभवतः 26 जनवरी के दिन एक साहित्यिक संस्था की स्थापना करने का यह विचार कहीं न कहीं उनके मन में रहा होगा। तो
आज गणतंत्र दिवस के दिन, जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ, हम गणतंत्र बने, हमें नागरिकता प्राप्त हुई, संविधान ने देश के छोटे से छोटे अदने से अदने व्यक्ति को अपूर्व गरिमा और साहस से भर दिया, यह मामूली साहस नहीं है कि इस देश के सभी नागरिक बराबर हैं। यह सोचना, यह विचारना, इस धारणा को आत्मसात करना, यह बड़े साहस की बात है। सारे नागरिक बराबर हैं, कोई किसी से छोटा या बड़ा नहीं है, न जाति से, न धर्म से, न धन से, न वर्ण से, न पद से, और न ही पराक्रम से। संविधान इस बात की गारंटी देता है कि इस देश में हर व्यक्ति के वोट की कीमत बराबर है, इसलिए हर आदमी की हैसियत बराबर है। तो संविधान लागू होने के दिन हम संविधान की रक्षा का संकल्प लेते हैं, शपथ लेते हैं। संविधान हमें जो साहस देता है, उस साहस को हम एक बार फिर आज के दिन पुनर्नवा करते हैं। इस साहस के पुनर्नवा करने के दिन कबीर को याद करने का एक खास मतलब है। आदरणीय बनजा जी ने अपनी बातचीत में ये कहा कि कबीर विश्व कवि हैं। सचमुच कबीर विश्व कवि हैं, इस अर्थ में कि कबीर जिस बेगम देश की कल्पना करते हैं, जिस अमरपुर की कल्पना करते हैं, वह बेगम देश, वह अमरपुर एक ऐसी कल्पना है जिस कल्पना में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है, किसी भी तरह का दुराव छिपाव नहीं है, हर व्यक्ति को समान अधिकार कबीर के यहाँ मिला हुआ है, चाहे वो किसी भी भूगोल का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी हैसियत का हो। तो इसलिए कबीर की कविता भी एक तरह से साहस की कविता है। आज के दिन कबीर को याद करना एक नए तरह से हमारे भीतर साहस का संचार करना है। कबीरदास ने एक कबीरदास का पद है जिसको कुमार गंधर्व गाते रहे हैं, निर्भय निर्गुण के गुण गाऊं। वो जो कबीर का निर्गुण है, वह निर्गुण कैसा है जो हर व्यक्ति को निर्भय बनाता है। तो एक खास तरह की निर्भयता का संचार कबीर करते हैं। कबीर की कविता का मर्म उसी निर्भयता में है जो निर्भयता कबीर हमको देते हैं। प्रायः मुझे एक बात और अच्छी लगी कि शीर्षक को कबीर पर बातचीत करने को किसी विषय में नहीं बांधा गया है। जिस तरह से एक मुक्ति का विधान कबीर रचते हैं, वैसे ही एक उन्मुक्त विषय है वक्ता के सामने कबीर पर बोलना है। कहीं कोई सीमा, कोई बंधन नहीं है, तो यह भी एक अच्छी बात है। वरना कई बार हम जो हिंदी पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, वो प्रासंगिकता की बात करते हैं और प्रासंगिकता प्रायः तात्कालिक होती है। हम अपनी उसी तात्कालिक दृष्टि से कबीर की या किसी भी कवि की प्रासंगिकता की चर्चा करते हैं और उसकी प्रासंगिकता को उस विषय विशेष में तात्कालिक जरूरत संदर्भ में सीमित कर देते हैं। और एक बड़ा कवि एक विराट विचार, एक विराट भावना, एक को एक सीमित दायरे में हम देखने और समझने के
लिए मजबूर हो जाते हैं। तो हम जो किताबी ज्ञान वाले लोग हैं, हम सब जानते हैं कि कबीर किताबी ज्ञान वाले व्यक्ति नहीं थे। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। तो पोथी के ज्ञान को परे रख करके जीवन के सत्य को खुली आंखों से देखने वाला यह कवि, इस कवि के सामने हम जो किताबी ज्ञान वाले जब पहुंचते हैं तो प्रासंगिकता का कोई ना कोई एक नुक्ता निकाल लेते हैं, कोई ना कोई एक नजरिया निकाल लेते हैं। जैसे भी पिछले दिनों महामारी जब आई तो महामारी के दौरान भी कबीर की प्रासंगिकता पर कई तरह से चर्चा हुई। तो एक बात हमें यह समझ लेनी चाहिए कि कबीर वास्तव में संत थे। वे कोई आज के समय के योगी या बाबा नहीं थे जो आनन फानन में महामारी के लिए कोई इलाज बता दें, कोई उपाय बता दें, कोई दवा निकाल दें। तो प्रासंगिकता का जो, अगर इसी तरह से कबीर की प्रासंगिकता खोजनी हो तो मैं समझता हूँ कि प्रासंगिकता न खोजना ही बेहतर है। कई बार वैसे भी मुझे लगता है कि प्रासंगिकता कोई बहुत अच्छा विचार नहीं है। कबीर जैसा लेखक या गोरखनाथ जैसा लेखक कवि या प्रेमचंद जैसा लेखक या मलयालम से नाम लूं तो कुमारन आसान जैसा लेखक अगर प्रासंगिक है तो यह बहुत खुश होने की बात नहीं है, यह चिंता की बात है। चिंता की बात इसलिए है कि कबीर जिस विषमता को, जिस भेद बुद्धि को दूर करने की बात करते हैं, जिस वैमनस्य को दूर करने की बात करते हैं, वह विषमता, वह वैमनस्य, वह ऊंच नीच, वह भेद बुद्धि आज भी बनी हुई है। तो भेद बुद्धि कबीर तो चाहते थे कि खत्म हो जाए। कबीर तो कह रहे थे कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक ज्योति थे सब उत्पन्ना कौन भले कौन मंदे। कबीर बार बार ये कहते हैं कि सब एक जैसे हैं, सबकी उत्पत्ति एक ज्योति से हुई है, एक परमात्म तत्व से हुई है, किसी में कोई भेद नहीं है, ऐसा कबीर कह रहे थे। लेकिन हमने अभी वो बुद्धि, वो भेद बुद्धि हम अभी बनाए रखे हुए हैं, इसलिए कबीर हमको प्रासंगिक जान पड़ते हैं। तो इस तरह कबीर को शायद अच्छा लगे, कबीर प्रासंगिक रहे चाहे ना रहे, कबीर को ये अच्छा लगेगा कि हमारे समाज से यह भेद बुद्धि खत्म हो जाए, यह ईर्ष्या द्वेष खत्म हो जाए, यह अपना और पराया खत्म हो जाए, और प्रेम की जिस दुनिया को कबीर बसाना चाह रहे थे वह दुनिया बस जाए। तो कबीर इससे ज्यादा खुश होंगे बजाय इसके कि हम कबीर को प्रासंगिक सिद्ध करते रहें। कबीर दास का एक दोहा है कि कबीर इस संसार में समझाऊं कै बार, पूछ जो पकड़े भेद की उतरो चाहत पार। ये जो भेद की पूछ पकड़ करके कबीर बार बार इस बात को समझा रहे हैं कि अगर आप अपनी मुक्ति चाहते हैं तो आपकी मुक्ति भेद बुद्धि में नहीं है, आप भेद बुद्धि की पूछ पकड़ करके। ये रूपक कबीर ने वहां से खड़ा किया है कि जो मृत्यु के पहले गोदान करने का विधान है, जिस पर हमारे प्रेमचंद ने एक महत्वपूर्ण उपन्यास गोदान लिखा कि गाय की पूंछ अगर आपने गोदान किया है
तो परलोक गमन के बाद हमारे रास्ते में एक नदी आती है वैतरणी, उसको पार करने के लिए गाय की पूंछ पकड़नी पड़ती है वगैरह वगैरह। तो इस दोहे में भी वही रूपक कबीर ने लिया है कि आप भेद बुद्धि की पूंछ पकड़ करके और पार होना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, ये असंभव है, क्योंकि भेद बुद्धि के लिए सच्ची जो साधना है, परमात्म स्वरूप का जिसको सच्चा बोध है, उसके हृदय में भेद बुद्धि नहीं होगी। और अगर भेद बुद्धि आपके हृदय में है तो निश्चित मानिए, कबीरदास कह रहे हैं कि आपके पास परमात्म का बोध नहीं है, आपके पास आध्यात्म का बोध नहीं है, आपके पास धर्म का बोध नहीं है, चाहे आप जितने जोर जोर से धर्म का हल्ला मचाएं। तो कबीर उस भेद बुद्धि को पूरी तरह से खारिज करते हैं। आप देखें तो हमारे समय समाज में आज भी जातीय घड़ा दिखाई पड़ रही है, दुनिया के पैमाने पर देखें तो रंग भेद मौजूद है, भारत के पैमाने पर देखें तो सवर्ण और अवर्ण की बहसें चलती रहती हैं, धनी और गरीब की बहसें चलती हैं, स्त्री और पुरुष की बहस चलती है, एक नए तरह का रंग भेद हमारे समय समाज में स्थापित हुआ है, जिसको हम राजनीतिक विचारों का रंग भेद कह सकते हैं। राजनीतिक विचारों के आधार पर हम घृणा और प्रेम करने लगे हैं। तो इतने तरह की भेद बुद्धि हमारे समाज में काम कर रही है। मैं समझता हूं कि आज अगर कबीर हों तो कबीर अपनी प्रासंगिकता से खुश नहीं होंगे, उन्हें लगेगा कि हे ईश्वर, जल्दी से जल्दी मुझे अप्रासंगिक कर दो, और यह जो भेद बुद्धि समाज में मौजूद है उस भेद बुद्धि को खत्म करो। एक और बात है, खास तौर से गणतंत्र दिवस के दिन जब हम बैठे कबीर के बारे में बात कर रहे हैं तो उस तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। एक हमारे प्रयत्नों में एक निरंतरता होनी चाहिए, एक सातत्य होना चाहिए। जैसे एक परंपरा सी बन गई है, किसी दिन हम हिंदी दिवस मनाते हैं, किसी दिन हम भारतीय भाषा दिवस मनाते हैं, किसी दिन हम महिला दिवस मनाते हैं, किसी दिन हम कोई दिवस मनाते हैं, और किसी दिन संविधान दिवस भी मनाते हैं। कबीरदास से अगर हम पूछने जाएं तो कबीर कहेंगे कि किसी एक दिन यह मनाने से काम नहीं चलेगा, चाहे जो दिवस मना रहे हों। एक बहुत सामान्य सा दोहा है कबीर का, लेकिन उस दोहे के भीतर का संदेश बहुत गहरा है कि सुख में सुमिरन सब करे, सॉरी दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, सुख में सुमिरन जो करे दुख काहे को हो। बहुत सामान्य सी बात है कि ईश्वर को हम जब दुखी होते हैं, जब बीमार होते हैं, जब कोई महामारी आती है, जब कोई विपत्ति आती है, तो हम ईश्वर को याद करते हैं। जब हम किसी पचड़े में पड़ते हैं, किसी आफत विपत्ति में पड़ते हैं, किसी समस्या में पड़ते हैं, तब हमें संविधान की याद आती है। कबीरदास कहते हैं कि अगर सामान्य दिनों में भी आप स्मरण करते रहें, स्मरण किसका, ईश्वर का, और हम जानते हैं कि कबीर का ईश्वर किसी मंदिर में नहीं बैठा है, कबीर का ईश्वर किसी मस्जिद में नहीं बैठा है, कबीर का ईश्वर
दरअसल हमारे अपने भीतर ही मौजूद है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। तो वो जो परम तत्व है वो हमारे भीतर है, उसका स्मरण हम करें, हमारे भीतर का जो नागरिक बोध है, हमारे भीतर की जो एक सामाजिक जिम्मेदारी का बोध है, हमारे भीतर का जो साहस है जो हमें संविधान देता है और जिसके पीछे आजादी की एक लंबी लड़ाई है, एक लंबी लड़ाई के बाद इन अधिकारों को हमने हासिल किया है, तो उन अधिकारों के प्रति, उस भावना के प्रति, उस अनुभूति के प्रति हमें निरंतर मननशील रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। कबीरदास, जब दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई, जैसी बात करते हैं वो अमूमन होता यह है कि जब प्यास लगती है तो हम कुआं खोदने जाते हैं। कबीरदास के बारे में, प्यास लगती है तो हम कुआं खोदने जाते हैं। कबीर कहते हैं कि भाई पहले से ही कुआं रखो, आग है, आग लगती है तब कुआं खोदने जाते हैं। हमारा जीवन है तो प्यास लगेगी ही, पानी की जरूरत पड़ेगी। धरती पर आग है, कभी भी आग लग सकती है, आग को बुझाने के लिए पानी की जरूरत होगी, तो हमें पहले से ही कुआं खोद रखना चाहिए ताकि हम जरूरत पर अपनी प्यास बुझा सकें, दूसरे की प्यास बुझा सकें, और अगर कहीं आग लग गई है तो आग बुझाने के लिए भी हमारे पास पर्याप्त पानी होना चाहिए। तो एक जो जीवन की, कबीर जो विश्व कवि हैं इसलिए हैं कि जीवन की जो सामान्य चीजें हैं उन सामान्य चीजों पर कबीर की निगाह है। कई बार हम आजकल रिसर्च मेथडोलॉजी की बात करते हैं, कबीर भी हमको एक रिसर्च मेथडोलॉजी बनाते हैं, बताते हैं। और एक जीवन की मेथडोलॉजी बताते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। हमारे सो छात्र लगता है कि 5 साल हमारी फेलोशिप मिलनी है, तो 2-3 साल तो उसी में बिता देते हैं। कबीरदास कहते हैं कि जो कल करना है वह आज करो, जो आज करना है वो अब करो। ये जीवन में जो एक बाद में एक नई आधुनिक बीमारी जिससे हम लोगों का समाज जिसका सामना करता रहता है, अवसाद की बीमारी हो गई। वो अवसाद की बीमारी के मूल में हमारा आज के काम को कल पर टालते जाना है, और एक दिन कामों का इतना बड़ा जखीरा हमारे सामने खड़ा होता है कि उसके सामने हम अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, और यह असहायता हमको अवसाद तक ले जाती है। तो कबीरदास एक छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी बातों की ओर ध्यान दिला करके हमारे जीवन को सुखी करना चाहते हैं, हमारे जीवन को संपन्न बनाना चाहते हैं। ऐसे कवि हैं कबीरदास। एक जो कबीरदास ऐसा क्यों कहते हैं कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में परलय होगी बहुर करोगे कब, ऐसा कबीर क्यों कहते हैं? क्योंकि कबीर को जीवन का जो सत्य है वह मालूम है। कबीर कहा गरबियों का
काल गह कर केस, ये हमारे जो केस हैं इसको काल ने पकड़ रखा है, इसलिए किसी भी बात का गर्व मत करो। कई बार कुछ लोग नारा लगाते हैं, हल्ला मचाते हैं, तरह तरह की बातों पर गर्व करने की बात करते हैं, किसी को सुंदरता पर गर्व है, किसी को विद्वत्ता पर गर्व है, किसी को अपनी जाति का गर्व है, किसी को अपने धन का गर्व है। कबीरदास कहते हैं कि कबीर कहा गरीबियो काल गह कर केस, ना जानो कभी मारसी कै घरी कै परदेश। काल ने हमारे केस को पकड़ रखा है, कब वो हमें मार डाले, घर में मारे या बाहर मार दे। मृत्यु जो है वो यह नहीं देखती कि आप बाहर आए हुए हैं, परदेश में हैं, यहां मर जाएंगे तो आपका अंतिम संस्कार कौन करेगा, यह विचार मृत्यु नहीं करती। मृत्यु यह भी विचार नहीं करती कि आप घर में मौजूद हैं और आपको मरता हुआ देखकर परिजन दुखी होंगे, इसलिए यहां न मारें। वह कहीं भी मार सकता है, इसलिए कबीर कहते हैं कि जो गर्व करते हो तुम, चाहे जिस बात का गर्व करो, वह गर्व करना अनुचित है। वह गर्व करना सत्य को अस्वीकार करना है, जीवन के मर्म को अस्वीकार करना है। इसलिए कबीर बार बार, और जो मैं शुरू में मैंने एक बात कही कि कबीर की वाणी का संबंध कबीर की निर्भयता से है, कबीर हमको निर्भय रहना सिखाते हैं। निर्भयता आती कहां से है? निर्भयता इसी मृत्यु को सीधे सीधे सामने से देखने की जो क्षमता है कबीर के अंदर, उस मृत्यु को देखने की क्षमता ही हमें निर्भय बनाती है। वरना जीवन के लोभ में हम अपने इस जीवन को नरक कर देते हैं, एक पल जीना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, हम रिरियाते रहते हैं, हम घिसटते रहते हैं, हम झींकते रहते हैं। तो कबीर के यहां जो साहस है, जो निर्भीकता है, जो निर्भयता है, उसका स्रोत मृत्यु को सामने से, जो सबसे ज्यादा भय पैदा करने वाली चीज है, जो सबसे ज्यादा आतंक पैदा करने वाली चीज है, वह है मृत्यु। और उस मृत्यु के रहस्य को यह कवि हमारे सामने इतनी आसानी से खोल करके रख देता है कि उसके रहस्य को समझते ही हमारे भीतर जो एक निर्भयता का सोता है वह बह निकलता है। बार बार हम कोशिश करते हैं, और ये हिंदी साहित्य में बहुत सारी ये बहसें होती रही हैं कि कबीर कितने कवि हैं और कितने समाज सुधारक हैं और कितने आध्यात्मिक हैं, और प्रायः हम कबीर की आध्यात्मिकता की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि साहब ये कुछ रहस्यवाद वगैरह है, और कबीर की कविता का संबंध इस दुनिया से कम है या नहीं है। और इसीलिए कुछ हमारे बड़े आचार्यों ने यह भी कहा कि कबीर कम कवि हैं, या ठीक ठीक कवि नहीं हैं, या हमारे काम के कवि नहीं हैं। तो उसकी तो खैर बहुत सारी वजहें हैं भाई, जो कवि ये कह देगा कि कबीरा यह घर कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआठा हाथ, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। तो हम जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जिन्होंने पीएफ से लोन लेके घर बनाया हुआ है, उनको लगेगा कि बताओ ये आदमी कह रहा है कि घर जला दो, तो हम घर जला देंगे तो रहेंगे कहाँ। तो यह डर अगर हमारे भीतर आ जाएगा तो हम कबीर को कभी
क्यों मानेंगे, कबीर से हम दूरी बना लेंगे, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि कबीर इस घर को जिसमें हम रहते हैं उसको जलाने की बात नहीं करते, कबीर उस घर को जलाने की बात करते हैं जो घर हमारे भीतर, जो दीवारें हमारे भीतर भेद बुद्धि पैदा करती हैं, अपने और पराये का भेद पैदा करती हैं, जो हमारे समय का एक मुहावरा बना हुआ है कि द अदर इज हेल, दूसरे की उपस्थिति हमारे लिए नरक है। यह जो एक धारणा आधुनिक समाज ने विकसित की है, उस घर को बनाने के लिए मुझे इस संदर्भ में बार बार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता याद आती है। आप लोगों में से जिसने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को देखा होगा उसको ध्यान होगा कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना काफी लंबे व्यक्ति थे। इस बात को ध्यान में रख के सर्वेश्वर की एक कविता आप देखें कि मैंने जब जब सिर उठाया अपने ही चौकट से टकराया, मैंने जब जब सिर उठाया अपने ही चौकट से टकराया, सर झुका आओ बोली भीतर की दीवारें, सिर झुका आओ बोला बाहर का आसमान, दोनों ने मुझे छोटा करना चाहा, बुरा किया मैंने जो ये घर बनाया। तो कबीर जिस घर को जलाने की बात करते हैं वह घर है जो आदमी को छोटा करता है, आदमी को झुकाता है। कबीर की कविता आदमी को आदमकद बनाने वाली कविता है। इसलिए कबीर बहुत गहरे अर्थ में इसी जीवन के कवि हैं। सारी आध्यात्म के बाद भी, सारी रहस्यात्मकता के बाद भी कबीर की जो पहली प्रतिश्रुति है वह यह जीवन है। वो कहते हैं अपने राम से, कहते हैं मुंहे पीछे मत मिलो कहे कबीरा राम, मुंहे पीछे मत मिलो कहे कबीरा राम। जब लोहा माटी मिल गया तो पारस कोने का, हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ एक पारस पत्थर की अवधारणा है, जिस पारस पत्थर के स्पर्श से लोहा सोने में बदल जाता है। तो पारस पत्थर बहुत मूल्यवान है, लेकिन तभी तक मूल्यवान है जब तक हम लोहा लोहा है। लोहा अगर गल गया, जंग खा गया, मिट्टी में मिल गया, तो पारस पत्थर उस मिट्टी को सोना नहीं बना सकता। कबीरदास कहते हैं कि ईश्वर राम तुमको अगर मिलना है तो मृत्यु के पहले मिलो, इसी जीवन में मिलो, इस जीवन से बाहर मिलने से क्या फायदा। गालिब याद आते हैं कि खोलते खोलते ही मुद गई आंखें, यार लाए उसको मेरी बाली पर तो हाय किस वक्त। तो मिलना जो है, चाहे प्रियतम से मिलना हो और चाहे परम प्रियतम से मिलना हो, इसी जीवन में उसकी सार्थकता है। कबीर इस बात को हमारे सामने बहुत मजबूती से कहते हैं और बताते हैं। दिक्कत यह है कि वो जो परम तत्व है, वो हमारा जो परम गुरु है, उसके बीच और हमारे बीच एक शक्ति बैठी हुई है जिसको प्रचलित भाषा में हम माया कहते हैं। माया बार बार कबीर की कविता में माया को लेकर के चोट की गई है और तरह तरह से आप सब परिचित हैं, सब जानते हैं कि माया को लेकर के कबीर का क्या। एक तो माया की जो
सर्वातिशायी क्षमता है, सबको अपने में दबोच लेने की माया की जो क्षमता है, कबीर उससे परिचित है। माया महा ठगिनी हम जानी, और केशव के कमला वह बैठी, शिव के भवन भवानी। तो माया बहुत ताकतवर चीज है और उसने सबको अपने जकड़ में ले रखा है। कबीर दास उस माया को चुनौती देते हैं, लेकिन माया को चुनौती देने के लिए जरूरी है कि हम माया के स्वरूप को समझें। एक दोहा है कबीर का, छोटा सा दोहा, साधारण सा दोहा, जो माया को बहुत अच्छी तरह से, माया के स्वरूप को बहुत अच्छी तरह से व्यक्त करता है। उन्हीं आई बादरी, बरसन लगा अंगार, उठ कबीरा धाह दे दाजत है संसार। उन्हीं आई बादरी, बादल आकाश में छा गए हैं, तो बादल जब छा गए हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि पानी बरसेगा, और धरती जो तप रही है वो नम होगी। लेकिन यह क्या, ये कैसे बादल हैं कि हम उम्मीद लगाए हैं, टकटकी लगाए बादलों की ओर देख रहे हैं कि इन बादलों से पानी बरसेगा, और अचानक बरसन लगा अंगार, अंगार बरसता है, आग बरसने लगी है, ये छल के बादल हैं। ये यही माया है। और तब कबीर कहते हैं, एक कवि का, एक लेखक का, एक साहित्यिक का, एक सन्यासी का, एक तपस्वी का, एक साधु का क्या दायित्व है, उठ कबीरा धाह दे दाजत है संसार। कबीर ये आवाज लगाते हैं कि उठो, एक छल हो गया है लोगों के साथ, बदली थी, और लोग पानी की उम्मीद लगाए हुए थे, आग बरस रही है, उठो कबीर दौड़ो, और उस आग से, जलती हुई आग से लोगों को बचाओ। कबीर गुण की बादली, तीतर बानी छा, बाहर रहे तो उबरे, भीगे भीतर माह। कैसी है माया, गुण की बादली है, ये बदली कैसी है, गुण की बदली है, और एक ऐसी छाया है जो छाया है भी और छाया नहीं भी है। उस छाया के बाहर आप रहे तो बचे हुए हैं, छाया के भीतर चले गए, मंदिर में चले गए, घर के भीतर चले गए, तो ऐसी छाया है, ऐसी बदली है कि आप को भीगने से नहीं बचा सकती, आपको जलने से नहीं बचा सकती, आपको दुखी होने से नहीं बचा सकती। एक सतरंगी माया, सतरंगी होती है, जैसे आजकल हमारे टीवी चैनल हैं, तरह तरह की खबरें हैं, तरह तरह के दृश्य हैं, जिन खबरों का, जिस दृश्य का हमारे जीवन की वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक ऐसा, कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि अंधेरे से लड़ने का तो हमारे पास उपाय है। हम अंधेरे से लड़ने के लिए एक छोटा सा दिया जला सकते हैं, लेकिन एक ऐसी रोशनी जो हमारी आंखों को चौंधिया देती है, उस रोशनी से हम कैसे लड़ेंगे। तो ये जो माया है वो सतरंगी है, और एक ऐसी रोशनी हमारी आंखों पर फेंक रही है कि हमारी आंखें चौंधिया गई हैं, हमें कुछ सूझ नहीं रहा है।
तो कबीर हम धरती से छेड़छाड़ करते हैं, हम रोशनी से छेड़छाड़ करते हैं, हम मानवीय श्रम की उपेक्षा करते हैं, लोभ हमारा इतना बढ़ गया है कि हम आज ही की तारीख में धरती के गर्भ में जो भी चीजें छुपी हुई हैं उन्हें आज ही निकाल लेना चाहते हैं। हमें यह परवाह नहीं है कि आने वाली पीढ़ियों को भी धरती के भीतर जो रत्न छुपे हुए हैं उन रत्नों की जरूरत आने वाली पीढ़ियों को भी पड़ेगी, हम ये नहीं सोचते। तो लोभ की अतिशयता, रोशनी की चकाचौंध माया इस रूप में प्रकट हो रही है और माया इस रूप में हमारी आजादी को, हमारी स्वतंत्रता को, हमारे साहस को ग्रस रही है। कबीरदास उस माया के मर्म से हमको परिचित कराते हैं और कहते हैं कि इस माया से बचना होगा। ये जो तेज रोशनी हमारी आंखों में पड़ रही है, इस रोशनी के संभ्रम में अगर आप पड़ेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, इससे बाहर निकलिए। कबीर हमको उस माया के संभ्रम से बाहर निकलते हैं। कबीर को आप सोचिए कि 600 वर्ष पहले कबीरदास एक पद लिख रहे हैं और जिसमें बता रहे हैं कि संतों ये मुर्दन का गांव, तनधर कोई रहन न पावे, काको लीजे नाव, पीर मुआ पैगंबर मुआ, मुआ जिंदा जोगी, राजा मुआ परजा मुआ, मैदा मुआ बैद और रोगी, जिनसे उम्मीद है। वो गालिब कहते हैं कि तवक्को जिनसे थी खस्तगी में दाद पाने की, वो हमसे भी ज्यादा खस्त है तेगे से तम निकले। तो उम्मीद थी कि जो गरीबी में बदहाली में हमारी सहायता करेंगे, करीब जाओ तो पता चलता है कि वो हमसे भी ज्यादा बदहाल हैं। एक ऐसे समय की कल्पना जब सब मरे हुए हैं, कोई आदम कद नहीं है, कोई जीवित नहीं है, माया ने सबको बंधन में बांध रखा है। कबीरदास उस माया के बंधन पर उंगली रखते हैं, चिताते हैं और कहते हैं कि भटक करके मरना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही ज्योति है जो सभी घट में सकल घट व्यापक, दूजा तत्व न कोई, कहे कबीर सुनो रे संतों, भटक मरे जन कोई। तो ये जो पीर हैं, पैगंबर हैं, राजा हैं, वो एक दोहा है कबीर का कि पर्वत पर्वत मैं फिरा, नैन गवाया रोज, सो बूटी पाऊं नहीं, जाते जीवन होई, जो कहने के लिए बहुत बड़े हैं, बहुत ताकतवर हैं, अधिकार संपन्न हैं, लेकिन उनके पास ये क्षमता नहीं है कि हमारे छोटे से दुख को दूर कर सकें। इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। तो यह जो मेरा छोटा दुख है, बिल्कुल कबीर उस छोटे दुख की बात करते हैं, जीवन के दुख की बात करते हैं और हमें साहस से जीना सिखाते हैं, हमें मृत्यु से बचना सिखाते हैं, हमारे भीतर ये साहस भरते हैं कि हम न मरें, मरी है संसारा, संसार मर जाएगा, हम नहीं मरेंगे,
क्यों नहीं मरेंगे? हमको मिला दिया मनहारा, जो जीवनदायी है वो हमको मिल चुका है, हम उसको पहचान चुके हैं। साकत मरहीं संत जन जीवहीं, भर भर राम रसायन पीवहीं। रसायन एक आयुर्वेद का शब्द है, एक आयुर्वेदिक औषधि बनाने की एक प्रक्रिया है, जिससे कि हमारा शरीर पुष्ट होता है और हमारा जीवन सुदृढ़ होता है। कबीर कहते हैं कि साक्त है वो मर जाएगा, संत नहीं मरेगा। अनेक अनेक मतों को मानने वाले लोग मर जाएंगे, संत नहीं मरेगा, क्योंकि संत को ये बात मालूम है कि वो जो हरि है वो हमारे भीतर है। हरि मरी है तो हमहू मरी है, हर में मरे हम काहे को मरी है। तो मृत्यु के भय को इस तरह से यह आदमी, यह कवि बेपर्दा करता है और हमारे भीतर एक साहस का संचार करता है। और मित्रों, केदारनाथ सिंह की एक कविता है जिसमें वो कहते हैं कि ठंड से नहीं मरते शब्द, शब्द मर जाते हैं साहस की कमी से। ठंड से नहीं मरते, नमी से नहीं मरते शब्द मर जाते हैं साहस की कमी से। कबीरदास इस तथ्य को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए हमारे भीतर, घट घट के भीतर परमात्मा को देखना, प्रत्येक घट के भीतर यह एहसास पैदा कर देना कि हमारे भीतर परमात्मा है और परमात्मा अजर और अमर है, परमात्मा मरता नहीं है, वह नहीं मरेगा, तो हम कैसे मरेंगे? हम अमर हैं और यह अमरता हमको आदम कद बनाती है, हमको मनुष्य की जिंदगी जीने का, सलीके से जीने का की तमीज सिखाती है, हमारे भीतर साहस भरती है। मैं समझता हूँ कि साहस के इस कवि को 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन याद करना एक अनूठी साहित्यिक, एक अनूठा साहित्यिक उद्यम है, एक अनूठा नागरिक उद्यम है। मैं नहीं समझता कि हमारे नागरिक होने में, हमारे एक सामाजिक होने में और हमारे साहित्यिक होने में कोई विरोध है। मित्रों, एक जो पूर्णता का जीवन है उसमें हमारी नागरिकता और हमारी साहित्यिकता दोनों को मिल करके साथ काम करना पड़ेगा। तो कबीर चाहे जितने ऊंचे आध्यात्म की बात करते हों, जीवन की ठोस जमीन पर जो हमारे छोटे छोटे दुख हैं, छोटे छोटे संशय हैं, उन छोटे छोटे दुखों, छोटे छोटे संशयों, छोटी छोटी जो हमारी कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों पर चर्चा करते हैं और उनसे मुक्त करा करके हमें एक मुकम्मल और निर्भय मनुष्य बनने का संदेश देते हैं। आज के दिन आपने हमें कबीर को याद करने का अवसर दिया और संविधान हमको जो साहस देता है, जो हिम्मत देता है, जो आसूदगी देता है, कबीर जो हमको साहस देते हैं, हिम्मत देते हैं, आसूदगी देते हैं, उसको एक साथ रख कर देखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सब के प्रति हृदय से आभारी हूँ। हमारे गुरु प्रोफेसर केदारनाथ सिंह को सबसे पहला जो सम्मान मिला था, उस सम्मान का नाम कुमारन आसान सम्मान है। अच्छा। तो हमेशा केरल की भूमि को, केरल से आती हुई हवा को मैं अपने उस हमारे गुरु को जिसने रिकग्नाइज किया था, जिस भूमि ने
उस रूप में भी मैं देखता हूँ और प्रणाम करता हूँ, तो मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आज के दिन हम केरल जैसे सुंदर प्रदेश, मैं तो केरल पहले गया, कश्मीर बाद गया, बाद में गया, तो मुझे तो लगता है कि स्वर्ग केरल में ही है, तो स्वर्ग की भूमि से संवाद करने का यह अवसर आपने दिया, इसके लिए मैं आप सबके प्रति हृदय से आभारी हूँ। बहुत 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 धन्यवाद सदानंद साही जी, आपने विश्व कवि कबीरदास के कई विचारों को बहुत सुंदर, मार्मिक और प्रभावशाली ढंग से हमारे सम्मुख रखा। सचमुच कबीरदास कालजयी है, फिर भी आपका जो दृष्टिकोण जो है, हमें, हम सब लोग इससे बहुत लाभान्वित हुए हैं। और आपने कहा जीवन का सत्य कबीर को मालूम है, और नई तरह से हमारे भीतर साहस का संचार करके हमें निर्भय रखना कबीर सिखाते हैं। सचमुच सही आपने कहा। और आज के संदर्भ में कबीरदास हर व्यक्ति के मन में जीवित है, जिंदा है, इसमें तर्क नहीं। आपके विचारों को सुनकर हम सब बेहद खुशी का अनुभव कर रहे हैं कि महसूस कर रहे हैं कि जो कबीर जैसे विश्व कवि को, विश्व कवि हर व्यक्ति को क्या क्या दिया। और आज के संदर्भ में हम जिस दुनिया में कोरोना महामारी के काल में हम जी रहे हैं, इस काल में भी कबीरदास कितना प्रासंगिक है, तो बहुत बहुत बधाइयां और धन्यवाद सर, आपने नई दृष्टि से कबीरदास का परिचय हमारे सम्मुख, कबीरदास के विचारों को समेट लिया आपने, और हम सब इससे लाभान्वित भी हैं। आगे चर्चा का समय है, आप सबसे अनुरोध है कि इस परिचर्चा में सक्रिय भाग ले। मोहन जी क्या शुरू करेंगे? एक मिनट। हाँ ठीक जी, चर्चा के लिए नहीं है, आपसे कोई प्रश्न भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जैसे कबीरदास ने अपने छोटे छोटे दोहे में जीवन की गंभीर और लघु समस्याओं को जिस प्रकार समेट रखा है, उसी प्रकार आपने बहुत ही सरल ढंग से कबीर के साहित्य में, कबीर के जीवन दर्शन में, दर्शन की जो गंभीरता है, उस गंभीरता को आप एक सरल ढंग से आपने हमारे सामने प्रस्तुत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय साहित्य प्रतिष्ठान की तरफ से। और मैं अपने सदस्यों से विनती करता हूँ कि आपके मन में कोई संदेह है तो पूछ लीजिए और चर्चा शुरू कर। जी बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय साहित्य जी। मैं विजय कुमार बोल रहा हूँ, मैं एक अवकाश प्रोफेसर हैं, मोहन जी और वनिजा जी के का जूनियर भी हूँ। सबसे पहले तहे दिल से आपको मैं धन्यवाद अदा करता हूँ, क्योंकि आपने कबीर से संबंधित हमारी बिखरी हुई और बिखरी हुई यादों को एक बार फिर संजोने का सराहनीय प्रयास तो किया है, और जो यहाँ के साहित्य प्रतिष्ठान के जो लोग हैं उनके प्रति भी मैं आभार प्रकट कर रहा हूँ। जैसा कि बिल्कुल आपने सही कहा है, उन्होंने कबीर पर एक विशेष विषय उन्होंने चुना नहीं, आपको पूरी आशा दी दी है, और इसीलिए हमारे लिए एक अच्छा भाषण सुनने का अवसर भी हमें मिला है। लेकिन मेरी शंका आपसे यह है कि आपने भाषण की शुरुआत से ही और बीच में भी आपने कहा है कि प्रासंगिकता पर बोलना ना ठीक नहीं है, प्रासंगिकता एक क्या है, विशेष लेखनीय ही नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं ये सहमत कि मध्यकालीन कवियों या पुरानी पंथी के कवियों के संदर्भ में
सिर्फ प्रासंगिकता पर बरस करना ठीक नहीं है, क्योंकि कई आयाम छूट जाते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन प्रासंगिकता के कारण किसी किसी भी काल के कवि के महत्व, इसका महत्व क्या बढ़ता नहीं, कोई कभी नहीं घटता नहीं। और आपके भाषण, पूरे भाषण से ही मुझे मालूम हुआ कि आपने जिन जिन बातों की वो जान दिया है वो प्रगाढ़ से कबीर की प्रासंगिकता से संबंधित विषय ही है। तो मेरा सवाल है कि कबीर की प्रासंगिकता पर विचार करते समय क्या कबीर के महत्व में चांद चांदनी और आती है ना, यही मेरा सवाल है, कैसे वो घटता है। प्रगाढ़ से मैंने कहा था आपके भाषण में ही इसी से संबंधित कई विषय आ गए हैं, जैसा कि सर्वजया सक्सेना की कविता या केदारनाथ सिंह की कविता या प्रेमचंद की टिप्पणी, सब हर एक काल में कबीर किस प्रकार प्रासंगिक है इस तथ्य को ही बराबर ये बातें दिखाती ही हैं। तो सब प्रासंगिकता कैसे एक ऐसा विषय बन जाता है, यही मेरा सवाल है। धन्यवाद विजय कुमार जी। मैं शायद मेरी बात बिखरी होगी तो इसलिए आप तक नहीं पहुंच पाई है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम जब प्रासंगिकता की बात करते हैं किसी भी कवि के बारे में और उसे प्रासंगिक पाकर खुश हो जाते हैं और मान लेते हैं कि हमारा ये साहित्यिक उद्यम का हमारा साहित्यिक उद्यम पूरा हो गया कि हमने पाया कि कबीर प्रासंगिक है। मैं एक दूसरी दृष्टि से विचार करना चाहता हूं कि प्रासंगिकता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है सार्थकता, सार्थक होना। कबीर की सार्थकता पर हम विचार करें, यह जो भेद बुद्धि हमारे समाज में मौजूद है जिसको मैं अब फिर दोहराऊंगा नहीं, कबीर उसको दूर करना चाहते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हमारे समाज से भेद बुद्धि खत्म हो जाए तो कबीर ज्यादा सार्थक हैं, या भेद बुद्धि बनी रहे, ऊंच नीच बना रहे, मैं और तुम बना रहे, अपना और पराया बना रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो हम कुछ ऐसा करें कि कबीर की जो वाणी है उस वाणी को अपने जीवन जगत में सार्थक करें। प्रासंगिकता पर विचार करके कई बार लगता है कि हम खुश हो जाते हैं कि अरे देखो कबीर प्रासंगिक है, लेकिन उसके आगे का जो हमारा उद्यम है कि हम एक ऐसा समाज बनाएं जो कबीर ने जो हमको एक समाज का नक्शा दिया था, जो कबीरा यह घर प्रेम का खाला का घर ना, शीस उतारे भूई धरे तब पैसे घर मार, एक ऐसे घर की बात करते हैं जिसमें केवल और केवल और केवल प्रेम हो, अहंकार न हो, घृणा न हो, विद्वेष न हो, व्यर्थ का अभिमान न हो, ऐसा घर बनाएं, ऐसा समाज बनाएं। मैं समझता हूं कि कबीर जैसे कवि के बारे में बात करते हुए हमें उसकी सार्थकता पर बात करनी चाहिए। मेरा एक सीमित दृष्टिकोण है कि प्रासंगिकता कई बार कवि की को, जैसे कि हम पैर के हिसाब से जूता खरीदें या जूते के हिसाब से पैर खरीदें, तो प्रासंगिकता कई बार हमारी दृष्टि कई बार इतनी छोटी होती है, हमारी तात्कालिक जरूरतें कभी इतनी संकुचित होती हैं कि हम बड़े कवि के बड़े हिस्से को, और जिसको मुक्तिबोध कहते हैं कि अंतःकरण का आयतन संक्षिप्त है, तो हम अपने अंतःकरण के संक्षिप्त आयतन के हिसाब से कवि का मूल्यांकन करके संतुष्ट हो जाते हैं,
मैं कहता हूं कि कबीर जैसे कवि जब हमारे सामने होते हैं तो हमारे अंतःकरण का विस्तार करते हैं, तो हमें कबीर को याद करते हुए इस तरह से उनको आमंत्रित करना चाहिए कि वो हमारे अंतःकरण का विस्तार करें। मेरा निवेदन बस यही है, बाकी प्रासंगिकता का सवाल तो है और बना रहेगा, उसके प्रति हमारे मन में कोई अवज्ञा नहीं। ठीक है साहिब जी, धन्यवाद जी। जी और कोई पूछना है तो पूछ लीजिए जल्दी जल्दी। ताकि जी नमस्कार, मैं वाणिज्य प्रेम, आपने सच गागर में सागर भर दिया है। या जब मैंने आपको निमंत्रण दिया था तब आपने कहा कबीर पर मैं कैसे बोलूं, तब मैंने कहा कबीर वो तो, या कबीर के कोई विशेष मतलब संदर्भ पर बोलना है आदि आपने तो सवाल किया, तब मेरे मन में भी यही तो आ गया था यदि विशेष संदर्भ दिया जाए तो वो कबीर तो क्या है, संकुचित हो जाएगा या सीमित हो जाएगा, इसलिए तो मैंने कहा कबीर को ले लीजिए कोई विशेष प्रसंग या प्रासंगिकता कहते हुए मैंने जल्दी ही उस शब्द को वापस कर दिया, मैंने इसलिए तो वापस कर दिया। अब तो आपने तो बताया है प्रासंगिकता के लिए तो इसे अच्छा शब्द तो अर्थवत्ता है, तब मेरे मन में एक सवाल तो होता है कि प्रासंगिकता पर सवाल जवाब तर्क वितर्क पहले से लेकर हमारे बीच में चल रहा है, एक और तो हमारे आलोचकों के बीच में भी ये तर्क तो हुआ था, दामर जी और मैनेजर पांडे निर्मल वर्मा जैसे विद्वानों के बीच में तो क्या प्रासंगिकता शब्द को निर्मल वर्मा ने जो कहा है प्रासंगिकता के संदर्भ में, प्रासंगिकता शब्द जो है या प्रासंगिकता वो है जो हमारे मन में तो जिज्ञासा पैदा कर दी, कबीर हमारे मन में हमेशा इसलिए तो जिज्ञासा पैदा करते हैं कि वो अर्थवान है, उसके विचारों में अर्थवत्ता यहाँ तो कई डिस्टर्बेंस तो हो रहा है, इसलिए तो क्या इसलिए तो कबीर हमारे मन में हमने तो कबीर को इसलिए तो हमारी वैश्विक दृष्टिकोण को मतलब हमारी जिज्ञासा को जितने काल के बीत जाने पर पैदा करने वाले एक सीमित दायरे में वे तो सिमट जाते नहीं है, एक सीमित कालखंड में सिमट जाते नहीं है, इसे अर्थवान बनाने की कोशिश करने की प्रेरणा वे हमेशा तो हमारे सामने तो प्रस्तुत करते हैं। वो तो गंभीर और किसी की परवाह करने वाला नहीं था, उस प्रकार का एक मन या सत्य को सत्य बोलने का जो जो साहसिकता
मेरे ख्याल से सत्य बोलना सबसे बड़ी क्रांति है। वो सत्य बोलने की हिम्मत आज हमारे सामने इतने लोगों में, ये कबीर कबीर को अर्थवत्तर तब तो मिलती है, सत्य बोलने की हिम्मत आज किसी को भी नहीं है। सच बोल उस प्रकार की क्रांति किसमें है, क्रांतिकारी कहने वाले लोग भी खिंचकते हैं सत्य बोलने के। इसलिए कबीरदास की जो अर्थवत्ता है वो अर्थवत्ता सचमुच पूर्ण करने के लिए क्या हमारे समाज कितने विकसित हम कहते हैं, सब ठीक कहते हैं, कितने लोग हमारा समाज अब भी तैयार हुआ है या समर्थ हुआ है, ये सवाल हमारे सामने तो आ रहा है। कारण इस गणतंत्र दिवस में भी हमें तो मालूम है किसान लोग कहाँ है, किसान लोग तो क्या है सड़क पर है। तो ये सच्चाई जो है इस सच्चाई को खुलकर बोलने की इस शरीर ने हमें जो दी है वो कबीर कब अर्थवान बन जाएंगे, ये सवाल भी हमारे सामने तो इस साहिब जी के भाषण से हमारे सामने तो कहकर। और एक बार साहिब जी का पुनः पुनः धन्यवाद, इतना बढ़िया भाषण आपने जो दिया था। और वो भी क्या है, कबीर जैसे विश्व कवि को उनकी अर्थवत्ता को वही तो दूसरे शब्दों से कितने शब्द हम इसके लिए तो प्रेरित कर सकते हैं, क्या काल जी प्रासंगिकता या जिज्ञासा प्रदान करने वाले कवि, तो जो भी शब्द हमको प्रयोग करेंगे वाला यथार्थ सचमुच है। और ये तो भारतीय साहित्य प्रतिष्ठान के संदर्भ में भी एक तो महत्वपूर्ण या गर्व का अनुभव है, ये तो कई संदर्भ में आपने नजर आता होगा। और एक तो छोटी सी बात पर भी मैं विचार करती हूँ, आपने तो बताया घड़ घड़ में जो चैतन्य तत्व है वो तो एक कबीरदास ने उस समय सचमुच आध्यात्मिकता के धरातल पर वो भी देखना चाहिए प्रभुत भक्ति के आधार पर उन्होंने किसी रूप को हमारे सामने रखते हुए नहीं है। आज मैं तो उसे एक दूसरे शब्द के माध्यम से तो आपके आपसे मैं तो आपके सामने प्रकट करना चाहूंगी, आज हम हरित आध्यात्मिकता या ग्रीन स्पिरिचुअलिटी जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं प्रयोग के लिए कुछ शब्द भाव को प्रकट करने वाले हैं कबीरदास। भाव हमारे सामने से मिट जाएगा क्या, हमारे सामने जो मानवों के शोषित है जो किनारे के है ये सबके प्रति ये तो चल रहा है, इसे अपने में क्या आध्यात्मिकता ग्रीन स्पिरिचुअलिटी कर वहां कोई ईश्वर नहीं है, ईश्वर हम सब ईश्वर है, एक एक घड़ ईश्वर है, एक एक जीव ईश्वर है। तब हमारे कबीरदास ने उस समय या भक्ति के माध्यम से, कारण कभी के बाद वे तो भक्त भी है, भक्ति के माध्यम से ये प्रकट किया है। आजकल धरातल पर आध्यात्मिकता को हम कबीर आपसे मेरा तो कारण शब्द बदल जाते हैं, भाव एक ही होगा, संवेदना एक ही होगी। मैं अपने शब्दों को कमिट मुझे कुछ कहना है क्या, कहना चाहते हैं तो कहिए। अच्छा नहीं, अगर कहना चाहते हैं नहीं, मैं तो कोई
मैं समझता हूँ कि आदरणीय वनजा जी ने मेरी बातों की ताईद ही की है, कोई सवाल तो नहीं किया है। नहीं नहीं कोई सवाल नहीं है। हाँ। सवाल नहीं है। नहीं। तो मैं बहुत आभारी हूँ। असल में अध्यात्म के सवाल को, ये जीवन हमारा जो है ना, जीवन के भीतर ही अध्यात्म है, कबीर हमको ये बताते हैं। और जब हम अध्यात्म को जीवन से बाहर करके देखते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई होशियारी बरतते हैं, और कुछ लोगों को सुविधा संपन्न बनाते हैं और कुछ लोगों को वंचित करने की कोशिश करते हैं। कबीर दास ने बैकुंठ पर सवाल उठाया, कहा कि ये बैकुंठ कहाँ है भाई, बातन ही बैकुंठ बखाने, कभी कोई बैकुंठ गया नहीं, बातों से ही लोग बैकुंठ का बखान करते हैं, तो कहने सुनने से हम बैकुंठ कैसे मान लें। अंत में कबीर उस पद में कहते हैं, आप सबके ध्यान में होगा, कि बैकुंठ कहाँ है, साधु की संगति में बैकुंठ है। जो सज्जन लोग हैं उन सज्जन लोगों के साथ, यानी ऐसे लोग जो केवल यह नहीं मानते कि हमारे भीतर ईश्वर है, हमारे सामने वाले के भीतर भी ईश्वर है, तो उसके साथ भी हमें ऐसा व्यवहार करना है जैसे कि हम ईश्वर के साथ व्यवहार कर सकते हैं। तो संत की जो परिभाषा कबीर ने बताई, वो ऐसे ही लोग संत हैं जो केवल अपने भीतर के ईश्वर को नहीं, दूसरे के भीतर के ईश्वर को देखते हैं, और ऐसे संतों की संगत ही बैकुंठ है और कोई बैकुंठ नहीं है। तो एक खास तरह की नागरिकता का की शिक्षा भी कबीर हमको दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपने जो अवसर दिया मुझे, उस अवसर में आभासी माध्यम से ही सही हम एक ढंग से, लगभग एक ढंग से सोचने वाले लोग, घंटे डेढ़ घंटे हम लोगों की संगति रही, तो मैं समझता हूँ कि एक तरह से आपने हमें बैकुंठ को देखने और जानने का एक मौका दिया। इसके लिए मैं भारतीय साहित्य का जो कार्यक्रम है उसके लिए, और डॉक्टर मोहनन के प्रति, डॉक्टर प्रोफेसर वनजा के प्रति, और डॉक्टर विद्या के प्रति, बिंदु के प्रति, और जितने भी हमारे साथी जिनको मैं देख नहीं पा रहा हूँ, संख्या दिखाई पड़ रही है, सबके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ और केरल की भूमि को प्रणाम करता हूँ। ओके, थैंक यू। ओके, धन्यवाद। धन्यवाद जी। जी नमस्कार। आगे कोई सवाल नहीं है तो हम नहीं और ये कर लीजिए। ओके, अब वक्त है धन्यवाद ज्ञापन का। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर एन मोहन जी, सचिव डॉक्टर के वनजा जी, आज के मुख्य अतिथि एवं उद्घाटक प्रोफेसर सदानंद शाही जी, इस भाषण श्रृंखला से जुड़े समृद्ध श्रोतागण, भारतीय साहित्य प्रतिष्ठान के तत्वावधान में आयोजित भाषण श्रृंखला का पहला कदम था यह। सौभाग्य की बात यह है कि इस भाषण श्रृंखला के उद्घाटक एवं मुख्य वक्ता के रूप में सदानंद शाही जी मिले। सचमुच आपने गागर में सागर भरने का काम किया। कबीर के वाणी को अपने जीवन में सार्थक करने का महान संदेश आपने दिया, इससे बढ़िया कोई नहीं, कुछ नहीं। तो इससे हम सब लाभान्वित हुए सर। मैं भारतीय साहित्य प्रतिष्ठान और अपने प्रतिष्ठान की तरफ से और अपनी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे
मैं भारतीय साहित्य प्रतिष्ठान के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर एन मोहनन जी को साधुवाद देना चाहूंगी, जिनके अथक प्रयत्न से भारतीय साहित्य प्रतिष्ठान को नई ऊर्जा मिली। इसमें कोई संदेह नहीं, हमारे लिए सचमुच आप प्रेरणादायक मार्गदर्शक है। सर, मैं तहे दिल से भारतीय साहित्य प्रतिष्ठान के सभी सदस्यों की तरफ से आपकी शुक्रगुजार हूं। साथ ही भारतीय साहित्य प्रतिष्ठान के सचिव आदरणीय डॉक्टर के बनजाजी के प्रति हृदय से आभार जाहिर करती हूं। उनकी अपार कर्म कुशलता एवं दीर्घ दृष्टि भारतीय साहित्य प्रतिष्ठान को उच्च शिखर तक पहुंचाएगी, इसमें कोई तर्क नहीं। हम सब आपके साथ हैं। टीचर, मैं तहे दिल से भारतीय साहित्य प्रतिष्ठान के सभी सदस्यों की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आगे गूगल मीट और यूट्यूब द्वारा लाइव द्वारा इस भाषण श्रृंखला से जुड़े सभी विद्वज्जन, अध्यापक बंधु, शोधार्थी, प्रिय छात्र छात्राएं, सबको भारतीय साहित्य प्रतिष्ठान की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपने शब्दों को विराम लेना चाहती हूँ। धन्यवाद। आपका सहयोगी, आपका सहयोगी तीन लोग हैं, बिंदु आप सहयोगी उनके सहयोगी, साथी जो मेरे जो सहयोगी जो टीना कुरियन जो है उनके नेतृत्व में यूट्यूब लाइव चैनल पर ये कार्यक्रम जो है अब तो चल रहा है, और साथ ही जो सजी आर कुरुप जी हैं, मानिता पीएल हैं, इनके भी जो सहयोगिता से कि हमारा ये कार्य इतना सुचारू इतनी सुचारू ढंग से जो है कर पाए, इसके लिए उन लोगों के प्रति भी मैं अपना आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद चाहिए जी, बहुत धन्यवाद। बात करेंगे, नमस्कार, फिर मिलेंगे। ओके, धन्यवाद, धन्यवाद, सबको धन्यवाद। ओके, धन्यवाद, धन्यवाद।